आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे पास में काफ़ी पेशेंट्स लाए जाते हैं जिनको कैनाबिस का एडिक्शन है, भांग और गांजा इसका एडिक्शन है। तो वो तो एक तो एडिक्शन है, मतलब उनका उसके ऊपर मतलब लत लग गई है, नशा करते हैं वो, और वो नशा के कारण वो कभी वायलेंट हो जाएंगे या फिर काम पे जाते नहीं, काम करते नहीं है, या एकदम पागलपन आ जाता है उनको, या फिर वो जब लेते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में तो एकदम वायलेंट होना, मारपीट करना वो करेंगे, या फिर अपना काम धंधा छोड़ देंगे, इसलिए हमारे पास में लाया जाता है। ये जो है ना कैनाबिस, तो इसमें 9-tetrahydrocannabinol ये केमिकल है, और ये एक पेड़ है, एक झाड़ है जिसको कैनाबिस सटाइवा प्लांट ऐसा बोलते हैं। कैनाबिस सटाइवा नाम का जो पौधा है, झाड़ है, उसको वहाँ से वो मतलब वहाँ से वो फीमेल है, वो फीमेल कैनाबिस सटाइवा जो रहता है वहाँ से ये कैनाबिस निकाले जाता है, और इसमें 9-tetrahydrocannabinol नाम का केमिकल है, 9-THC। तो उसका एडिक्शन लोग करते हैं, पाउडर लेके, पाउडर बना के उसका एडिक्शन करते हैं, या फिर वहाँ उससे मैरिजुआना बनाते, और मैरिजुआना मतलब उसके जो फूल, वो जो पौधा है, वो पौधे के फूल और पत्ते और बीज सुखा कर पाउडर बना के जो बनाते उसको मैरिजुआना बोलते। और उसका और एक स्ट्रांग वहाँ से जूस निकालना, उसका बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर तैयार करना, मतलब फूल जो रहते उसके उसका जूस निकालना, उसके पाउडर, उसकी पाउडर बनाना बहुत ही स्ट्रांग रहता है, उसको हशीश बोलते हैं। वो हशीश और मैरिजुआना लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोक करते हैं, और उसका इफेक्ट जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट आता है, पावरफुल आता है और जल्दी आ जाता है, और वो लेने के कुछ घंटे बाद में ही उसका इफेक्ट, कुछ मिनट बाद उसका इफेक्ट आ जाता है, घंटा नहीं, घंटे तक चलता है वो, कुछ मिनट बाद में उसका इफेक्ट आ जाता है। तो जो कैनाबिस है ना, इसका इंटॉक्सिकेशन मतलब ज़्यादा मात्रा में वो चढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा लिया तो, और वो खाने में लिया, मतलब चाय के साथ में लिया, या उसके गोले बना के या लड्डू बना के खाया, जिसको भांग बोलते हैं, तो वो यदि लिया तो उसके परिणाम आने को टाइम लगता है, वो ज़्यादा समय तक चलते हैं। अच्छा, ये जो कैनाबिस है, गांजा या भांग या मैरिजुआना, हशीश, चरस, तो इसमें होता क्या है कि ब्रेन में मेसोलिम्बिक डोपामिनर्जिक रिवार्ड पाथवे करके जो एरिया है, मेसोलिम्बिक डोपामिनर्जिक रिवार्ड पाथवे, वो एक्टिवेट होता है, वो स्टिम्युलेट होता है, और वो स्टिम्युलेट जब होता है उसको उत्तेजना आती है दिमाग में, ब्रेन में, तो बहुत मज़ा आता है, जब मज़ा आता है, अच्छा लगता है, तो फिर वो और लेता आदमी, मगर ज़्यादा मात्रा में लिया तो फिर प्रॉब्लम होता है, और ज़्यादा मात्रा में नहीं लिया मगर रोज़ थोड़ा थोड़ा लिया तो उसका नशा चढ़ जाता है, उसकी लत लग जाती है, और फिर उसका उतना ही इफेक्ट आने के लिए ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ता है, तो उसकी मात्रा हर तीसरे हफ्ते बढ़ाना पड़ता है। अब उसमें होता क्या है कि इनको मतलब हाथ पैर या हाथ पैर चलाने में या अपना अपना बॉडी का गेट मतलब तोल जाना और हाथ पैर में तालमेल नहीं रहना, चलने में तालमेल नहीं रहना, ऐसा हो जाता है, लड़खड़ाते चलते रहता आदमी, बहुत ज़्यादा मात्रा हो गई तो उसको बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती है, बहुत खुश, बहुत हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति, बहुत ऐसे फालतू जोक काटेगा, बहुत हंसेगा, और बहुत ज़्यादा उसको आनंद लगता है वो अवस्था में, उसको ऐसा लगता है कि समय जो है ना बहुत आराम से चल रहा है, मतलब टाइम पास नहीं हो रहा, ऐसा टाइम जो है समय स्थिर हो गया है, ऐसा उसको लगता है। ये उसका उसकी राय देना या कोई चीज़ का फैसला करना, मतलब कोई जजमेंट करना, उसमें उसको टाइम लगता है, जल्दी जल्दी निर्णय नहीं ले पाता उसमें, वो व्यक्ति अकेला बैठना पसंद करता है, उसकी आँखें लाल हो जाती है, भूख ज़्यादा लगती है, मुंह में सूखापन आ जाता है, सीने में धड़कन हो जाती है, बीपी बहुत ज़्यादा शूटअप हो सकता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, सेक्स की इच्छा कम हो जाती है, और उसको अलग अलग भास हो सकते हैं, मतलब भ्रम हो सकते हैं कि स्पर्श का, चमड़ी का भ्रम, आँखों का भ्रम, कान का भ्रम, ऐसा उसमें हो सकता है, उसे लगता है कि लोग अपने बारे में बात कर रहे क्या, लोग कोई अपने बारे में सोच रहे क्या,
ऐसा उसको लगता है, उसको कोई दर्द नहीं महसूस होता। ये जो बहुत मजूरी करने वाले लोग हैं या बदन की मतलब शारीरिक श्रम करने वाले लोग हैं ना, बहुत दर्द करता है उनको, तो फिर वो ये नशा करते हैं ताकि उनको दर्द महसूस नहीं होता और अच्छा लगने लगता है ना, इसलिए वो लत धीरे 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 उसका जो कंजम्पशन है वो बढ़ते जाता है। तो ऐसा ही कैनाबिस इंटॉक्सिकेशन है, और ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे कि वो भांग या चरस या हशीश या अफू मतलब ये लेंगे और उसकी लत लेके लगा के नशाखोरी करेंगे और अपना जीवन बर्बाद करेंगे। उसमें उनको पागलपन भी आ सकता है या उनकी डेथ भी हो जाती है, मर जाते हैं ये नशा करते करते। उनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है और उनका इलाज करना संभव है, पॉसिबल है, उसको हम एडमिट कर लेते हैं और एडमिट करते उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करवा के, लक्षण जो जो है उसका ट्रीटमेंट करवा के उसका इलाज करते हैं। तो आप ऐसा कुछ रहा तो ये आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें नीचे नंबर दिए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन आप कर सकते हैं या पेशेंट हमारे पास में ला सकते हैं। हमारे यहाँ पेशेंट के साथ में रहने की सुविधा है और एक दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ पेशेंट को रिलेटिव के अलावा हम भर्ती करते हैं, उसका पुनर्वसन करके उनको एडमिट करते हैं। जैसे काफ़ी कैनाबिस के भांग के या हशीश के पेशेंट हमारे पास में एडमिट होते हैं, उनका इलाज कर लेते हैं। ये आप जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मालूमत पड़ेंगी कि ये इंटॉक्सिकेशन का इलाज कैसे करना है, एडिक्शन का इलाज कैसे करना है और लोगों को अच्छा जीवन कैसे देना है। हमारा जो लक्ष्य है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा, आपकी भी पार्टनरशिप हमको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।